की छोटी छोटी फिश चलेगी जा रही। तो ये सरका घाट का यहाँ पे मंदिर, मैं भी फर्स्ट टाइम आई इस मंदिर में, दिक्षु लेके आई थी मेरे को। मत बगा मछली आ बुनी। मैं भी दिख जाती हूँ चले। का मेन गेट यहाँ से जो ग्रीन वाला घर आप देख रहे हो वहीं पे है मेरी एम्प्लॉयमेंट और हम जा रहे हैं। और रोड आप देख सकते हैं कैसा है, यहाँ पे रोड इन बनी हुई है, कीचड़ कीचड़ वाला सीन, बड़ी गंदी जैसी एम्प्लॉयमेंट है, उसमें इम्प्रूवमेंट ही नहीं की है कुछ भी। ये मेरी जुत्ती 4 दिन की मेहमान है ऐसा लग रहा है मुझे, बाकी ये जाने कितने साल कितने महीने चलेगी, साल तो नहीं पर महीने। और चप्पल लेने पड़ेगी बरसात के लिए, स्पेशल चप्पल दिक्स की तरह देखो दिक्स बोल रही मेरे को ऐसी चप्पल लेना पड़े आप। तो हमारी गाड़ी वहाँ नीचे लगी थी तो मैंने सुबह आना था, फिर इसको अकेले आना पड़ना था, तो मैंने हाफ डे की छुट्टी मारी और काम भी करवाना। ये देखें ये हमारी एम्प्लॉयमेंट है। अरे चाट बस स्टैंड के सामने बहुत अच्छी गोलगप्पे और चाट मिलते हैं, गोलगप्पे हमने खा लिए अब चाट खा रहे हैं। अब जा रहे हैं हम नीचे जहाँ पे हमारी गाड़ी लगी हुई, हमारा कोई काम नहीं बना वहाँ पे, हमारी कति जहर वाली बेइज्जती हुई मतलब गलती हमारी थी भी नहीं, और ऊपर से बंदे ने बेइज्जती कर दी, बोला अगले दिन 15 दिन बाद आना, बोले बार बार चुप रही है वो बहुत उसकी बेइज्जती की क्या बताऊँ मैं, बता नहीं सकती कैसी बेइज्जती, मतलब थोड़ी बेइज्जती हुई पर जो भी थी वही थी, तो थी एक बेइज्जती होता रहता है। यहाँ से शॉर्टकट से जा रहे हैं ताकि हम सीधे कॉलेज के पास पहुंचे, और रोड की साइड से जाते तो हमें ज्यादा दूर पड़ता। तो अभी बर्गर, एक बर्गर पूछा हमने, बंदा बोलता 30 रुपए का, और बर्गर में पता क्या था, एक टमाटर एक प्याज और एक टिक्की और चटनी। तो एक लड़के से ऊपर जा रहा लड़का, उससे हमने वो पूछा कि रास्ता बता, तो बंदा बोलता बोले ये नीचे वाला रोड है, और बोले आप इस पे चले जाना, बिल्कुल सीधे जाना, रुकना मत बोले अब, और ऊपर से बारिश भी लगी है, थोड़ी थोड़ी लगी हुई है, और यार इस साइड इतने सारे जामुन पड़े हैं। और आपको बताऊं ये किस लिए होते हैं, जिनको शुगर हुई होनी ना उनके लिए बहुत सही है, हमारी साइड नहीं है, इनके कितने सारे गिरे हुए हैं यहाँ पर, ये है इनका पेड़। तो बाकी शहरों में ये बहुत महंगे महंगे बिकते हैं, और हिमाचल में आपको ऐसे फ्री में मिलेंगे पेड़ों पे, मतलब आप उतारोगे भी तब भी कोई मना नहीं करेगा। ये हैं बड़े अच्छे होते हैं खाने में ये, इसको पूछनी है कि तूने किसका मुंह देखा है सुबह उठ के रोड भी देखो कैसी है रहा, शॉर्टकट ऐसे होते हैं। धान, ये धान जो कि पूरे खेत में लगाए जाते हैं, ये भी धान लगे हुए हैं, फिर पूरा पानी जो खेतों में फैल जाता है, फिर लगते हैं धान, जिनको बोलते हैं हम चावल, जो आप चावल खाते हैं ना, जो आप लोग चावल खाते हैं वो ऐसे ही उगाए जाते हैं, तो जब बारिश होती है तब जाते हैं खेत में लोग, फिर वहाँ जाके बारिश में लगाते हैं धान, बारिश में लगाते हैं धान, और उसके बाद फिर वो उनको पानी मिलना बहुत ज़रूरी है, तब जाके वो बड़े होते हैं, फिर उनको काटते हैं, फिर उनको पीटते हैं, फिर उनसे निकलता है जो धान वो, और उनको सबसे ज़रूरी होता है पानी मिलना ज़रूरी है उनको, सारे खेत खेत नीचे यहाँ तक नीचे पूरे खेत खेत है। और जब धान लगेंगे ना इनमें तब आप बोलोगे कितना सुंदर लगता है ना, तो आप बोलना कि तब दिखाना हमें, पर मैं कैसे दिखाऊँ, अम्मा जी जा रहे हैं इस साइड से, और हम भी लगाते थे पहले, हाँ नीचे दिखाती हूँ आपको, बंदे लगा रहे हैं धान, हम भी लगाते थे पहले धान, फिर उसके बाद हमारी खेत जो है वो कंपनी वालों ने ले लिए मतलब किराए पे, और उसके बाद वो फिर लगाए नहीं हमने कभी भी उनमें धान, लगाए हुए लोगों ने धान। ये देखो ये सिर्फ हिमाचल में लगाए जाते हैं, कहीं और भी लगाए जाते हैं, पंजाब में भी लगाए जाते हैं। कितने फूल लगे हुए यहाँ पे,
तो हम यहाँ पे घूम रहे हैं नदी में। देखो इसके हाल, देखो मेरी चप्पल तो ऊपर का सारा पानी स्टोर हो गया है। देखो में बड़ा डरावने लग रहा, पानी से डर लगता है मेरे को। यहाँ पे बिजली का ट्रांसफार्म, तो हम नीचे गए थे वहां पे, हमने फोटो वगैरह ली। देखो आगे आगे चलिए, पीछे पीछे मैं आवाज कर रहा है। देखो यहाँ से दिखाती हूँ मैं हम लोगों को, देखो कितना पतला पुल है। शॉर्टकट निकलता है वहां पे वर्कशॉप के पास, HRTC वर्कशॉप। तो ये है बिल्कुल नई बस निकली हुई है HRTC की, BS6। यहाँ पे मैंने बादाम शेक ऑर्डर किया, ये मना कर रही है पीने के लिए। आ गया हमारा बादाम शेक, सिर्फ मेरा बादाम शेक। दिक्षु ले रही आइसक्रीम वहां पे रुक के, बस ये देखो कप मैंने यहाँ पे फेंका, ठीक है अब मैं सुधर गई हूँ। अब मैं चीजें यहाँ वहां नहीं फेंकती कहीं भी। सामने हमारी गाड़ी लगी हुई है, वहां गई थी हमारी गाड़ी अनलोड होने, वहां नीचे जहाँ क्रेन लगी हुई है। और ये रही सामने, दिक्षु ऑटो सामने ऑटो, ये देखो। यहाँ पे हम अभी पता नहीं रुके हुए, चाचा जी आके बात कर रहे हैं किसी से, और चाचा जी बता रहे थे कि गाड़ी फंस गई थी नीचे, फिर क्रेन से निकाले क्योंकि बरसात में वो मिट्टी में फंस जाती है गाड़ी। हम रुके हुए तरफाल की सेटिंग करने के लिए। अभी और इसको मैं बस में बैठाने जा रही हूँ, और चाचा जी ने बोला कि छोड़ा है इसको परे तक, और फॉर्म लेना है और दुपट्टा लेना है इसको, और तो जा रही हूँ मैं। गाड़ी हमने परे लगा दी, और यहाँ से आपको दिखाते हैं व्यू कितना अच्छा है। व्यू देखो आप यहाँ से, ये है नेहू दीदी, नेहू ठाकुर फियोन से आप देख सकती हैं, दो उठा के जा। ये सोच रहे हैं इसके पीने, इस ये पीने को, ये नहीं है का कोट सरकार गार्ड का, जितने भी कांड होते हैं उनका उनका वकील यहीं पे मिलेगा हम लोगों को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, सॉरी मुझे ब्लॉग बस में स्टार्ट करना पड़ रहा है, मेरी एम्प्लॉयमेंट